कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN1, उसके बाद से देश भर में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश में भी 3 मरीज निकले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के JPN अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर ABP न्यूज की टीम आई हुई है। आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद से तैयारी शुरू हो चुकी है, ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, कोविड के जो बेड बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव, जिनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, कोविड को लेकर जो मरीज मिल रहे हैं, अभी 3 मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं, क्या तैयारी की जा रही है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हमारे यहाँ पूरी तैयारी है, मध्य प्रदेश सरकार पूरी सजग है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा पूरी उपलब्ध है। टेस्टिंग है, जैसे आप देख रहे हैं जो PSA प्लांट है, पास में LMO प्लांट है, लगभग 450 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, जो जंबो सिलेंडर हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में सरकार ने जो उपलब्ध कराए हैं, दवाइयाँ पर्याप्त हैं, बेड पर्याप्त हैं, और बेड टू बेड ऑक्सीजन है अपने पास, सुविधा सरकार की तरफ से पूरी उपलब्ध करा दी गई है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर कोई मरीज सर्दी जुकाम बुखार का मरीज आता है, वो प्रॉपर टेस्ट कराए और प्रॉपर एक दवाई ले और डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करें, एक दूसरे से प्रॉपर, सर्दी जुकाम के मरीज हो, बुखार के मरीज हैं, डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करें, मास्क लगा के रखें, जो ज़्यादा बीमार है, बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी रखने की ज़रूरत है इसमें। और वैक्सीनेशन काफी कुछ हो ही चुका है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं। JN1 नया वेरिएंट आया, कितना खतरनाक है वो, कितना क्या है? अभी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है और बाकी घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जो वैक्सीनेशन हुआ है तो उससे काफी काम चल जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पे है? जी हाँ, सरकार के निर्देश है, उसी तारतम्य में हम लोगों ने मॉक ड्रिल पहले भी करा था, और रोज हम लोग चेक करते हैं, प्रॉपर वार्ड को देखते हैं, सब तरह सजग हैं, डॉक्टर पूरे स्टाफ हमारा सजग है और कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट है, पूरे मध्य प्रदेश में तैयारी है ऑक्सीजन प्लांटों की, जो बाढ़ बनाए? हाँ, सभी तरफ देखने में आया, सभी तरफ तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो सरकार के निर्देश भी हैं, उस तरह के जो निर्देश हैं हम लोगों का पालन कर रहे हैं हम लोग, और कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता से मैं अपील करता हूँ, घबराएं बिल्कुल ना, और सावधान रहें, और जिस तरह अपन ने पुरानी बीमारियों को भी लड़ा था, तो कोई ऐसे बिल्कुल घबराने की प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, घबराएं ना। आप देख सकते हैं ये सिविल सर्जन से राकेश श्रीवास्तव, जिनका कहना है जनता से घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑक्सीजन प्लांट है, इस तरह से मॉक ड्रिल की गई है, ऑक्सीजन प्लांट के हम मौजूद है, यानी मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद से लगातार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में और भोपाल के JPN अस्पताल में पूरी तैयारी है कोविड को लेकर, और ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर स्टार्ट है। कैमरामैन रवि के साथ भोपाल से ABP न्यूज के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।